फ्रेंड नमस्ते, हमारे गार्डन में आप सभी का स्वागत है। और आज देखिए ये जेड प्लांट जो अब अपनी लीव्स निकालने लगे हैं नई नई। वैसे तो इसकी ग्रोथ रुकती नहीं है, लेकिन गर्मी के टाइम पे अब फैट से इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। डोरमेशन से निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब अपन को जेड पे बहुत सारे काम करने हैं। यदि आपको बोनसाई बनानी है तो आप देखिए इस तरीके से बोनसाई बनानी है तो आप छोटी सी टहनी भी लगाएंगे तो उससे भी इस तरीके की बोनसाई बन सकती है। टाइम लगता है लेकिन आप आराम से बना सकते हैं। और अब इसकी अपन को क्या करना है कि इसकी कटिंग करेंगे। जितनी कटिंग करेंगे ये घना हो जाएगा। और देखिए मेरे ये प्लांट्स में ये निकल रहे हैं सब, ये सब नए नए लीव्स निकलनी शुरू हो गई है और ये अपने अब अच्छी ग्रोथ पे आ जाएगा। तो अब इसको अपन गुड़ाई करके इसमें अपन खाद दे सकते हैं और इसकी कटिंग कर सकते हैं। और आप छोटी कटिंग इसकी लगा भी सकते हैं। तो इसकी आप कटिंग कर दें अच्छे से। जेड को फुल सनलाइट चाहिए और अब सीज़न गर्मी का शुरू होने वाला है, फेब शुरू हो गया है। तो अब ये प्लांट अपनी फुल ग्रोथ में आ जाएगा और अब इसमें अपन खाद पानी दे सकते हैं और इसका कटिंग कर दें तो आपका प्लांट घना हो जाएगा। तो जेड पे खाद कटिंग्स और आपको लगाना है तो लग भी सकता है इस टाइम पे, और आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी और आज मेरा ये प्लांट पूरा एक बोनसाई में हो गया है। ये काफ़ी अच्छा लगता है और इसकी अपन कटिंग करते रहेंगे इतना ही ये प्लांट अच्छा हो जाएगा। तो आप इसकी समय समय पे कटिंग करते रहें। देखिए इसकी छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है। जो बिगनर्स हैं लगाना चाहते हैं तो वो इसको लगा सकते हैं। बिल्कुल कम मेंटेनेंस में चलने वाला प्लांट है। आप इसको बोनसाई टोपियारी कुछ भी बना सकते हैं और आपके गार्डन में ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है ये। तो इस तरीके से आप आपके जेड्स की कटिंग कर दें और उनको अच्छे से शेप में ले आए। मनचाही शेप दे सकते हैं आप। मैं इसको ट्री की तरह से ट्री बना रही हूँ, जो ऐसे ही वीडियो मैं आपको लेके आती रहूँगी। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।